दोस्तों, इस दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर इस संसार को किसने बनाया और इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से इस दुनिया की धीरे धीरे रचना की गई। दोस्तों, ये सब सवाल हमेशा हमारे मन में आते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर एक और सवाल ये भी है कि आखिरकार वो पहला मनुष्य कौन था, या यूं कहें दोस्तों, वो पहला हिंदू कौन था और वो कहां से आया और उसकी रचयिता किसने की और उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना। ये सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है और इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य तो जरूर देते हैं, लेकिन आखिर पूरी तरह से सच्चाई क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में धरती पर सबसे पहला मनुष्य, या यूं कहें धरती पर सबसे पहला हिंदू कौन था। तो दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और सृष्टि की रचना के बाद उन्होंने मानव जीवन की उत्पत्ति की और इस धरती पर सबसे पहला मनुष्य स्वयंभू मनु था, जिसे संसार का पहला मनुष्य या यूं कहें सबसे पहला हिंदू भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की थी तो अंत में उन्होंने समय को दो भागों में बांट लिया और वो पहला भाग मनु के रूप में, वहीं दूसरा भाग स्त्री शत्रुपा के रूप में प्रकट हुआ। और दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने इन सब प्रजातियों को प्रकाश से और रुद्रों को अग्नि से और समयभु मनु को मिट्टी से बनाया था, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को पता था कि मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर एक नर और नारी होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने पुरुष के रूप में मनु और स्त्री के रूप में शत्रुपा को बनाया। और आज हमारी संसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद है, ये सभी मनु से उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसीलिए इस जाति का नाम मनु से मानव पड़ा और संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और वहीं अंग्रेजी भाषा में मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ, जो सभी ये दर्शाते हैं कि सभी मनुष्य मनु से जुड़े हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार मनु की रचना की थी। तो दोस्तों, जब ब्रह्मा ने पृथ्वी पर अवतार लिया था तो उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर बहुत सारे देवता, असुर और राक्षस बना दिए थे, जिसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगा और फिर उन्होंने तय किया कि वह खुद के जैसा ही एक दूसरा इंसान पृथ्वी पर बनाएंगे। और उन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज की रचना करे जिससे उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। और दोस्तों, तभी उसी क्षण जब ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे, अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देख खुद ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए, क्योंकि वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखाई देने वाली परछाई थी। और उस परछाई को देखकर कुछ देर तक भगवान ब्रह्मा जी बिना समझ सके कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, यही वो परछाई थी जिसे मानव संसार का पहला मनुष्य यानी स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों, एक और सवाल ये भी मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार धरती का पहला मनुष्य मनु था, लेकिन पश्चिमी सभ्यताओं के अनुसार पहला मानव कौन था। और अगर हम बाइबल की बात करें तो जिस तरह से हिंदू मान्यताओं में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, ठीक उसी तरह से बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था और ये परछाई हूबहू मनु की तरह दिखती थी। और बाइबल में इस परछाई को एडम का नाम दिया गया और इस बाइबल में एडम के जन्म का पूरा वाक्या भी लिखा गया है, जिसे मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर के नाम से जाना जाता है।
अर्थात इसका मतलब है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया। तो दोस्तों, सिर्फ हिंदू मान्यताओं के अनुसार ही नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यताओं के अनुसार भी ये पूरी तरह से सिद्ध होता है कि मनु ही वो पहला इंसान था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।